स्टूडेंट, आई होप एवरी वन फाइन टूडे। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करें। दोस्तों, आज़ाद रहना हर कोई चाहता है, लेकिन आज़ादी का फ़ायदा उठाकर मनमानी करना उचित नहीं है। सच्ची आज़ादी वो है जिसमें अपने सुख के साथ दूसरों का भी सुख छिपा हो, ना कि आपका सुख या स्वतंत्रता दूसरों के बंधन या दुख का कारण हो। नेक्स्ट यहाँ पे है, आप क्या क्या करने की आज़ादी चाहते हैं बताइए। क्या कभी ऐसा होता है कि आप अपने व्यवहार से दूसरों की आज़ादी में बाधा डालते हैं बताइए। यदि आपको एक हफ्ते की पूरी आज़ादी मिल जाए तो आप क्या करेंगे। यदि परिवार, समाज और देश के लोग बिना आपसी तालमेल और सामंजस्य के अपनी अपनी आज़ादी का उपयोग करने लगे तो कैसे स्थिति उत्पन्न होगी। लिखिए इन तीनों क्वेश्चन में से एक आप लोगों को यहाँ पे, इन तीनों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 4 या 5 लाइन में। नेक्स्ट यहाँ पे है लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून सन 1912 को मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा पंजाब में हुई। विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और कविता आदि पर लगभग 100 कृतियों की रचना की। आवारा मसीहा उनकी सर्वाधिक चर्चित रचना है, जिस पर उन्हें पाब्लो नेरुदा सम्मान, सोवियत लैंड पुरस्कार जैसे अनेक देशी विदेशी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए पढ़ते हैं इनका लिखा निबंध आज़ादी क्या है। तो बच्चों, ये स्टोरी आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। मैं इनका शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इस पाठ के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि अपनी आज़ादी से आज़ादी के साथ साथ दूसरों की आज़ादी का सम्मान करना भी आवश्यक है। हमारी आज़ादी से यदि किसी को तकलीफ पहुँचती है तो वो सच्ची आज़ादी नहीं है। आज़ादी के साथ जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के साथ साथ आज़ादी का मूल्य पहचानना भी है। तो बच्चों, इसका शब्दार्थ आप लोगों को इनमें से देख के नोटबुक्स में कम लिखना है, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन, बॉर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूँगी। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।